अनपढ़ हो लेकिन लियाकत ऐसी कि सलजूकों को मंगोलों से बचा लिया तुमने। अब हवेली आकर जानदर ओगलों के मसाइल हल करोगे तुम। सही कहा ना मैंने? अच्छी तरह मालूम है हमें कि दरगाहों में क्या होता है जनाब। तुम कुछ भी कर लो उनके लिए, यहां तक के जान भी दे दोगे तो कदर नहीं करेंगे तुम्हारी। वो जाहिदा खातून कोई अजनबी नहीं है, मेरी बहन है वो। हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, फिर उसकी शादी हो गई। चलें, कोई तो अजीज है आपका हवेली में। बिल्कुल, उससे बढ़कर भी कोई है। इतने अरसे बाद मुझे हवेली में अचानक देखकर वो तो हैरान ही रह गई थी यूनुस अफंदी। तुम कौन होती हो सरदार के मेहमान से सवाल करने वाले? मैंने कहा था ना कि मेरे मुआमलात से दूर रहना है। मुझे बहुत से काम है अभी। शाहीन बहुत उदास है। अच्छा तो उदास है। हमारी फिक्र है किसी को? मेरे लिए शाहीन का होना अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं। उसका मिजाज मुख्तलिफ है सरदार, और आपका मुख्तलिफ। आप उससे अपने जैसा होने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? वो एक मुख्तलिफ इंसान है, आप चाहे उसे कबूल करें या रद्द कर दें उसे, बेटा तो आपका है। अगर वो काम करना चाहता है तो हजार काम है उसके लिए। वैसे भी शाहीन इतनी काबिलियत नहीं रखता कि ये काम करे। इसके लिए यूनुस अफंदी है, वो ये सारे काम खूब निभाएगा। हुकूमत चलाने के सारे हरबे आते हैं उसे, वो एक दानिशमंद इंसान है। पहले भी समझाया था, इससे भी अहम काम है हमें। दुआ है कि वो मायूस ना करें आपको। आपके इस फैसले का एहसास शाहीन को एक दिन हो ही जाएगा सरदार। सुबह होने दो जरा, एक जिम्मेदारी सौंप दूंगा उसे, फिर देखते हैं वो तवक्को पे पूरा उतरता है या फिर हमें मायूस करता है। अगर तुम यही चाहते हो इस्माइल, तो मैं तुम्हें हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम की हिकायत सुनाऊं क्या? अच्छी है तो जरूर सुनाए। अच्छा, तो वो मसला होगा जो हिकायत में बयान होगा। अब तुम हिकायत भी अच्छी सुनना चाहते हो इस्माइल? कैसी होती है अच्छी हिकायत? जिसके मानी यादाश्त में रह जाए और कुछ सीखने का मौका मिले। अब की ना बात तुमने, हम इस पर तुमसे मुत्तफिक हैं। मायने भी अहम होते हैं किसी किस्से में, यही सबब है कि सबक के बगैर किस्सा नहीं होता। और ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये महज खाली खोली होते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अधम बल्ख शहर के सुल्तान के बेटे थे। दिन गुजरते गए और वो नए सुल्तान बन गए, मगर पर्दे के पीछे कौन जीता है कौन मरता है ये कैसे जानते हजरत इब्राहिम अदम सुल्तान? वो अमीर थे, वो खरीदारी करना पसंद करते थे, खुद खाना दूसरों को खिलाना, जियाफत करना, शिकार करना,
घोड़े पालना, सोना चांदी, दुनिया की जो भी चीज थी उसका शौक था उन्हें। उनकी अक्ल कहती थी वो सब कुछ हासिल करने पर कुदरत रखते हैं। दरअसल जिंदा रखने वाली और मारने वाली कोई और ही जात है। आई ना सास दोस्त यहां होता तो वो सरगोशी करता कि वो ही है जो जिंदगी देता है और मौत भी। उन्हें किसी किस्म की कमी नहीं थी, हर एतबार से सब कुछ था, मगर उनके अंदर एक खला सा था, एक तारीख खला जो वक्त के साथ मजीद गहरा होता चला गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेकरारी बढ़ती गई। एक दिन महल में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। अचानक एक देव पैकर हैबतनाक आदमी वहां आ गया। ना किसी सिपाही ने ना खिदमत गुजार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो। किसी में जसारत ही नहीं थी। हजरत इब्राहिम अदहम ने पूछा क्या चाहते हो। उसने कहा मैं कुछ दिन सराय में रहना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अदहम ने उसे अजीब अंदाज से देखा, दीवाना है क्या ये। उन्होंने उससे कहा होश में तो हो ए शख्स, ये सराय है क्या, ये तो मेरा महल है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या। ओ देव पैकर आदमी हजरत इब्राहिम अदहम को देखता रहा और फिर हंसने लगा, मुझे दीवाना कहने वाले को तो देखो, असल दीवाने तो तुम हो। ठीक है ये सराय नहीं महल ही सही, ठीक है मगर तुम्हारा कैसे हुआ ये महल। मेरे बाबा मेरे लिए छोड़कर गए थे, हजरत इब्राहिम अदहम ने इस्तेदाई अंदाज में कहा। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो शख्स बोला अच्छा तो फिर आपके बाबा से पहले ये किसका था। मेरे दादा का था और उनसे पहले फलां शख्स के पास था, सुल्तान इब्राहिम बोले। उस आदमी ने पूछा उस फलां शख्स से पहले किसका था। आपने कहा उसे उसके बाबा ने दिया होगा और उससे पहले फलां शख्स का था। उस आदमी ने कहा ठीक है तो फिर बताइए क्या हुआ उसके साथ, कहां गए वो सब लोग। वो मर गए, हजरत इब्राहिम अदहम बोले। अच्छा तो फिर ये महल तुम्हारा कैसे हुआ जब इसमें इतने लोग रहे और चले गए। हैरान और शशदर रह गए हजरत इब्राहिम अदहम। ये अल्फाज कहने के बाद वो अजनबी जैसे आया वैसे ही चला गया। वो हजरत इब्राहिम अदहम पीछे भागे उस अजनबी के। उन्होंने उसे पा लिया तो पूछा आप कौन हैं। मैं वो हूं जो आसमानों में है और जमीन पर और समंदर में है, मैं खिज्र हूं। हां अगर जागने का वक्त आ पहुंचा हो तो कोई ना कोई जगाएगा तुम्हें। किसी के लिए खिजर, किसी के लिए उड़ता परिंदा, किसी के लिए घास की नोक, किसी के लिए खिलते हुए फूल, किसी के लिए बहता हुआ पानी, किसी के लिए साकित पत्थर। उस दिन के बाद से वो खला गहरे से गहरा होता गया हजरत इब्राहिम अदहम के सीने में। ये खला इतना बढ़ गया कि उनके सीने में इसका दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। फिर वो वक्त आया कि ताज तख्त छोड़कर अपनी कबा एक चरवाहे को दे दी और सहराई रास्ते सफर पर रवाना हो गए। हाँ क्या कहते हैं सियाने, ये राह बाल से पतली तलवार की धार से ज्यादा तेज है। कोई ताज और तख्त छोड़कर ये राह इख्तियार करता है तो कोई ताज और तख्त हासिल करने की राह इख्तियार करता है।
तो क्या बताती है हजरत सुल्तान इब्राहिम अधम की हिकायत हमें? अगर तुम सोने के प्याले में भी पियोगे तो वो पानी ही रहेगा। सोना इतना ही कीमती होता तो पूरी कायनात सोने से बनाई गई होती। ये इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर उन चीजों के लिए इतनी मेहनत क्यों जिन्हें साथ नहीं ले जा सकते? देखो, गंदम का एक ढेर पड़ा है बाहर, क्योंकि हम उसे बेच नहीं सके। तुम जिन चीजों के मालिक नहीं रह सकते उनके लिए कोशिश कैसी? अगर तुम मिल्कियत में आने वाली चीजों का ढेर लगा दो तो वो तुम्हारी मालिक बन बैठती हैं, तुम उनकी मिल्कियत बन जाते हो। इस दुनिया से ऐसी भी क्या मोहब्बत कि तुम इसके बंदे बन गए। मगर याद रखो कि तुम दुनिया के बंदे नहीं बन सकते। दुनिया के पूजने वालों को मखलूक कहते हैं, दुनिया के पूजने वाले को मखलूक, और अल्लाह के पूजने वालों को बंदा कहते हैं। ये है वो सबक जो हमें मिलता है हजरत इब्राहिम अधम के किस्से से। ये सफर बंदा बनने की राह है, ये सफर दुनिया की मखलूकात से बचने की राह है। फिर क्या हुआ? ये तो बताया ही नहीं हिकायत में। किसकी? इब्राहिम अधम का, जब वो सहरा की तरफ चल दिया उसके बाद। वक्त बहुत हो गया है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा तुम्हें। वादा कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, पक्का वादा। ज़हीन है बहुत। इससे कोई नहीं जीत सकता। बच्चा तो लगता ही नहीं, ख्वाजा नसरुद्दीन है। अल्लाह इसे हमेशा खुशबाश रखे। अरे वाह, इब्राहिम अधम तो बहुत बड़े आदमी थे। आप भी तो काजी थे ना और इस्तीफा दिया था, बिल्कुल उनकी तरह। महज औहदा तर्क कर देने से इंसान सब कुछ नहीं पा लेता इस्माइल। राह इश्क है ये, इस पर चलना आसान नहीं। बड़ा आदमी बनने के लिए हरगिज़ जरूरी नहीं कि किसी की पैरवी की जाए, लेकिन अच्छे साथी का उसूल बहुत जरूरी है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें इब्राहिम अधम जैसा साथी मिले? क्यों नहीं चाहूंगा मैं? सुल्तान थे वो, शेख से सुना नहीं था क्या आपने? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम आका। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था पीर भाई। मैंने सुना है कि यूनुस अफंदी मेरे ताया सरदार के दानिशमंद बन गए हैं। सही सुना है आपने, शेख मोहतरम के फैसले की तायद की है। शेख मोहतरम के किसी भी फैसले की मुखालिफत करें इतनी हमारी मजाल नहीं। अतात आदाब से है, लेकिन अगर शेख के पास जाकर आप दरगाह में ही कोई जिम्मेदारी मांगेंगे तो वो मान लेंगे यकीनन। हमारे कंधे इतने तवाना नहीं कि ये सारा बोझ अकेले उठा सकें। बीर भाई, कासिम आगा गौर करें, अतात को अदब गिरदानते हैं आप, फिर भी मुझे शेख मोहतरम के पास जाकर उनके फैसले के खिलाफ काम मांगने का कहते हैं। अगर ये मशवरा किसी अहमक को भी देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हुस्न-ए-ज़न भी अब सूए-ए-ज़न में बदल रहा है बीर भाई।
आखिर हमें हमारा कसूर तो बताइए ताकि हम भी जान सकें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपका कसूर क्यों होगा? कसूर तो देखने वाले का है। हमारा दीन हमें आया करने का नहीं बल्कि छुपाने का हुक्म देता है। ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। सुबह जल्दी उठना आसाब पर भारी होता है, खुसूसन इन दिनों। ठीक है फिर, खैर का नतीजा निकले हम सब के लिए पीर भाई। कुछ दिन पहले तक मैं नहीं जानता का जिक्र था आपकी जबान पर, और अब सरदार के दानिशमंद की हैसियत से हवेली जा रहे हैं आप। मतलब इस मामले को बखूबी समझते हो। अच्छा ये बताओ, किसने तुम्हें शरई हुकूक पढ़ाए थे मदरसे में? उस्ताद शमसुद्दीन मार्दीनी ने। जानता हूं उन्हें, उस्ताद तो मुनासिब ही हैं वो। जी बिल्कुल। तुम्हें आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं यूनुस, कि ये फरीजा दरगाह में तुम्हारे अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए अब से तुम मुस्तकिल मैं नहीं जानता का वर्द किया करोगे। जब भी तुमसे कोई सवाल किया जाए कहो मैं नहीं जानता। कोई भी किसी भी मौजू से मुताल्लुक जानना चाहे कि उस मौजू पर तुम्हारी राय क्या है, तो मैं नहीं जानता के अलावा कुछ नहीं कहोगे। जिस तरह के मुरीद पर जिक्र वाजिब होता है, इसी तरह से तुम पर मैं नहीं जानता का जिक्र वाजिब किया जा रहा है। क्या कह रहे थे बड़े मियां? ये क्या बात हुई? बड़े मियां क्यों कहते हो तुम उन्हें? आपने भी कह दिया बड़े मियां। मैंने कब कहा? हाँ मैं कह सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कह सकते। समझ आई तुम्हें मेरी बात? हाँ बहुत शरारती हो गए हो तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें। कोई और काम तो नहीं है अम्मा जान? नहीं सब हो गया, जाओ तुम आराम करो। बाबा अगर इजाजत दें तो जाहिदा के पास चली जाऊं। बूढ़े हो जाओ तो हर दिन एक जैसा लगने लगता है। बेटी क्या तुम आज ही जाहिदा के घर जाकर वापस नहीं आई हो? जी बाबा जान। तो एक ही शाख पर अगर दो दिन बैठ जाओ तो वो सोचती है कि शायद तुम्हारा अपना कोई ठिकाना नहीं है। सही कह रहे, लेकिन हमने कुछ कपड़े पसंद किए थे साथ बैठकर, ताशकंद बुखारा से आए हुए थे, बस वही देखे। बिरादरी के सब लोग आ चुके हैं तो आइए भाइयों दुआ शुरू करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। रोजे जुमा खैर साबित हो, अल्लाह खैर को फतह बख्श, अल्लाह शर को दफा कर, अल्लाह मुनकिर और मुनाफिक हक पर आए, दुआएं कबूल हो, हमारी सांसें तवाना हो, हमारी तलवारें तेज हो, तिजारत में बरकत हो। या अल्लाह सदके में तमाम इमामों के
रोजे महशर शफी अल मुज़निबीन की हम सबको शिफात नसीब हो। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدقہ بخش تمام مجاہدین اسلام کا صدقہ بخش تمام صادقین کا دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما پیر و مرشد حاجی بکتاش ولی قدس آسر روح العالی کے صدقے دنیا میں اور آخرت میں ہماری نگہبانی فرما یا اللہ تیرے کرم سے ہم کبھی بھی کسی انسان کے محتاج نہ ہوں ہماری جبینیں نہ کسی اور پر جھکیں نہ ہم کسی سے مدد مانگے یا اللہ اہل حق کو روز الست کے عہد پر ہمیں ثابت قدم رکھ نور نبی سر علی پیر و مرشد حضرت حاجی بکتاش ولی مکرمی مولائی عالی مقام کل حاضرین غائبین محب عاشقین صادقین محمد و علی کی پکار تو ہی ہے اللہ ہے واللہ ہو اللہ السلام علیکم عزیزو وعلیکم السلام استغفر اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو خوش آمدید جناب شیخ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ کی اجازت سے ہنرمند اپنی دکانیں کھولنے لگے ہیں آگے بڑھئے ساتھیوں کام کرنے والے کی طرف اور پکانے والے کی طرف خریداری دوستوں کی طرف سے برکت اللہ کی طرف سے کیسے ہو زکی اناج فروش آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں شیخ محترم استغفر اللہ محتاج تو ہم سب ہیں قاسم نے کہا کہ قیمت پر اتفاق نہیں ہو سکا استغفر اللہ آپ جو کہیں گے وہی قیمت ہوگی نالہان کے بازار میں تمام اناج فروش ایسا ہی سمجھتے ہیں صحیح کہا نا صالح بالکل شیخ محترم قیمت آپ ہی طے کریں گے ہو کیوں ہم قاضی ہیں کیا قیمت طے کرنا قاضی کے سوا کسی کا اختیار نہیں صالح اناج فروش کیا قاسم نے آپ سے نہیں پوچھا تھا وہ تو آئے ہی نہیں شیخ محترم ٹھیک ہے چلیں جا سکتے ہیں آپ کا دن بابرکت گزرے آپ تشریف رکھیے نا شیخ محترم برکت ہو میرے دوست مسعود ذرا یہ تو بتائیے آج کل بازار کا کیا حال ہے کیا مسائل ہیں اپنے ہنر مندوں کے مرکزی بازار کے تاجر آج کل کافی مشکل میں ہیں شیخ اور اگر آپ وجہ مجھ سے جاننا چاہیں گے تو حقیقت تو بالکل آیا ہے صبح بخیر خانم تمہاری بھی آئے گل دسترخوان تیار ہے جی تیار ہے سردار حویلی میں ہی ہے نا جی ہے ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں
आजकल तो उन्हें आराम का वक्त ही नहीं मिलता। कोई और भी है क्या उनके साथ? नहीं, अकेले हैं। वो दानिशमंद आया कि नहीं? नाम क्या था उसका? यूनुस अफंदी। माशाल्लाह, अब समझ आया खिदमतगार आजकल कहां मसरूफ हैं। आए नहीं क्या अभी तक यूनुस अफंदी? अब्दुल्ला के फर्जंद यूनुस, नालेहान के काजी हैं। इंसाफ कबूल हमेशा बाला रखना। हमारा फरीजा बल्कि इस बुलैन होना चाहिए कि अदलो इंसाफ से फैसले करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे। खुशामदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका सरदार। ये जगह सबसे अहम जगह है हमारी हवेली की। इसी हुजरे से हमने कई मशवरे और अहम फैसले किए हैं। रियाया को मायूस नहीं किया, कलम ने वही लिखा जो सही था। ये जो दीवारें हैं बहुत कुछ जानती हैं। अंतालिया की बढ़ई ने तैयार किया था इसे। मुझे तो नहीं मालूम, वो कहता था यहां सब माजी की बेहतरीन चीजें हैं। यूनुस अफंदी, मुझे मालूम है कि आज काम का पहला दिन है, मगर दही इलाकों के अब सारे काम आपके जिम्मे हैं। इलाका कोई भी हो, हमें तो हुक्म की तामील करनी है। आप बताइए, क्या काम सौंपना चाहते हैं आप मुझे? हर पोटली में हजार अशरफियां हैं, किसी को भी इसकी खबर ना हो, हत्ता के सरियागा को भी। बेहतरीन सवारी तुम्हारे लिए तैयार है। मुराद अली जाओ, पाशा शरी इब्राहिम आगा का घर तलाश करो और उन्हें ये अशरफियां दे आओ। होशियार रहना, एक माह के महसूल की रकम के बराबर हैं ये अशरफियां। किसी को खबर किए बगैर जाओ, मोहतरम इब्राहिम को ढूंढो और उन्हें ये देकर आ जाओ। कोई सवाल है तो पूछ लो। कुछ नहीं पूछना मुझे, इजाजत दें बस।
ठीक है फिर, ख्याल रखना। जब चाहो रवाना हो सकते हो तुम यूनुस। कहवा मत लाना मूसा फंदे। अंदर आ जाओ। आ जाइए। बखैर गुजरे आपका दिन। क्या मर्द इस तरह दिनचर्या तक सोते हैं? करने को कोई काम ना हो तो भला जाग कर क्या करे कोई। शायरी तो आपके रोम रोम में बसी हुई है शहजादे, लगता है नई नज्म वारिद हुई है। मेरे बाबा को शायर की नहीं दानिशमंद की हाजत है ज़ाहिदा खातून, आप तो जानती हैं। उन्हें अगर आपकी शराब नोशी का पता चल गया तो उनके गुस्से से आप खौफ खाएंगे शाहीन। कोई बताएगा तो पता चलेगा। तो फिर पीते क्यों हैं आप इतनी, छोड़ क्यों नहीं देते शराब? शराब से पूछें, वो छोड़ना चाहती है मुझे क्या? इस हाल में नजर ना आए मुझे, बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता कीजिए, चमचा भरकर शहद खाइए ताकि ताजा दम हो सके। शामदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका ज़ायदा खातून। कैसा हसीन इत्तेफाक है, 5 सालों से हूं मैं यहाँ लेकिन मेरी बहन को आज मुझसे मिलने का ख्याल आया। जी ये भी इत्तेफाकी है कि उनका मेरे हमरा यहाँ आना हुआ। हाँ आपस में बहने हैं लेकिन मिजाज जरा मुख्तलिफ है दोनों का। सलाम कहिएगा सबको अम्मा जान और समझ गया मैं। अब आप जा सकते हैं यूनुस अफंदी। मैं मदद कर देता हूं आपकी। शुक्रिया कासिम आगा। इस्माइल आ रहा है मेरे साथ। इस्माइल आ रहा हूं।
हम अपनी तरफ से जितनी भी एहतियात कर लें, बाज़ औक़ात कलिमात हमारे मुंह से बिला इजाजत निकल जाते हैं और इख्तियार नहीं रहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी दिल आजारी करूं या जानबूझकर आपको तकलीफ दूं। मैं जानता हूं कि कल अनजाने में मुझसे कसूर सरजर्द हुआ। मैं नहीं जानता कि आपसे कैसे माफी मांगू बासिम सुल्तान। हमें इसमें कोई कसूर नजर नहीं आया आपका कासिम आगा, लेकिन जाहिदा के साथ नजूमा के यहां जाने को आप मेरा जाना समझे, ये ज्यादती थी। माफी चाहता हूँ बासिम सुल्तान, मैं आप पर तोहमत लगाना नहीं चाहता था, मगर हवेली में जब मैंने आपको सामने देखा तो इंसान जब किसी जिम्मेदारी पर हो तो वो उसका नकारे के साथ ऐलान थोड़ी कर सकता है। एक काम से गया था मैं, वहां गया और वापस आ गया। खुद से उठा लोगे तुम ये डोल? मैं मदद करूं आपकी? मदद की जरूरत नहीं, खुद कर सकते हैं हम अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या हुआ? इब्राहिम आगा की तलाश है। इब्राहिम आगा? घर पर नहीं है वो, आप जानते हैं कहाँ होंगे? आप नहीं जानते क्या? इब्राहिम आगा तो अब इस दुनिया में नहीं है। एक साल हो चुका है उनके इंतकाल को, क्या आपको नहीं मालूम? कोई रिश्तेदार वगैरह है जो यहाँ रहता हो? बस एक बेटी थी, वो भी शादी करके चली गई थी, उसे भी दोबारा नहीं देखा हमने। शुक्रिया मेरे भाई, तकलीफ के लिए माज़रत। कोई तकलीफ नहीं हुई जनाब, सफर बगैर गुजरे। हर पोटली में हजार अशरफियां हैं, किसी को भी इसकी खबर ना हो। होशियार रहना, एक माह के महसूल की रकम के बराबर है ये अशरफियां। दानिशमंद यूनुस अफंदी को सोने की दो थैलियां देकर बख्शीश अली इब्राहिम के पास भेजा गया है। सरियागा को भी इस बात का इल्म नहीं। माल वापस ले आई यूनुस अफंदी? माल तो नहीं लाया मैं, लुटेरों ने लूट लिया है रास्ते में मुझे।
तुमने मेरा माल ही नहीं भरोसा भी छीना है यूनुस अफंदी। आप वक्त जाया क्यों कर रहे हैं इस चोर के साथ बाबा? तुम खुद को ही अकलमंद समझते हो ना यूनुस अफंदी? ये कोई नहीं सोच सकता होगा कि शाहीन ने किस मकसद से भेजे होंगे लुटेरे। एक फाल निकालने वाली खातून आई है यहाँ पर। ये लोग गए ही कब थे जो दोबारा आ गए? बे औलादों के लिए औलाद, बीमारों के लिए इलाज, शोहर के साथ नाचाकी ना होने का हल, गर्जिए के हर मसले का हल बताती है। हाँ ये तो ऐसा ही है कि वो झूठ पर यकीन दिला देते हैं और हम हकीकत पर यकीन नहीं दिला पाते। अहबाब जमा हो गए हैं, वो मुंतजर हैं कि कब हमारे पीर महफिल मुलाकात करेंगे। इजाजत हो तो उन्हें बुला लूं ताकि वो इस्तफादा हासिल करें। काश मेरे पास भी आप जैसा एक जुब्बा होता, सारा दिन बातें करता मैं इससे। मेरे शेख हैं,